नमस्कार दोस्तों, एतिश ट्रेडिंग फॉर फाटक के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो वीकली चार्ट की निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट के एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। तो निफ्टी की वीकली चार्ट के एनालिसिस करते हैं दोस्तों, देखते हैं कि मार्केट में क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस होंगे और मार्केट अब क्या बिहेवियर करेगा। ठीक है, मार्केट का बिहेवियर समझते हैं दोस्तों, थोड़ा ध्यान से वीडियो देखिएगा। ठीक है, निफ्टी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा था आपको, ये चैनल चल रहा है ना ये, ठीक है, इसी बीच में मार्केट रिएक्ट कर रही है, ठीक है। अब देखो एक चीज देखने वाली बात है, अब मार्केट यहाँ से सेलिंग आई इस कैंडल के नीचे और फास्ट सेलिंग आई, कहाँ तक आई, यहाँ तक चैनल को नीचे ब्रेक करने लगी है। मगर चैनल अब एडजस्ट होगा तो चैनल को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, मगर अब इस चीज को देखने वाली बात है कि अब इसके नीचे जब भी 21,774 के नीचे मार्केट निकलनी स्टार्ट होगी तो 21,000 का लेवल 700 पॉइंट का और करेक्शन हो जाएगा मार्केट में, मार्केट के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्यों, देखो जितनी तेजी से आपको मैं दिखाऊं, ठीक है, पहली बात तो इस चैनल को हम यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, अब समझो इस चैनल को चैनल थोड़े एडजस्ट होंगे अब। ठीक है, हाँ, अब यहाँ मार्केट कंसोलिडेट करने के बाद अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ को ब्रेक करती है, निकालती है 21,774 का लेवल, अगर इसके लेवल नीचे निकलती है तो मार्केट यहाँ आसपास देखोगे आपको जो आएगा 21,000 के आसपास, 21,100 के आसपास मार्केट को आप देख सकते हैं। ठीक है, मार्केट में और यही डेली चार्ट पर अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे तब फास्ट मूवमेंट पाएगा, क्योंकि लोगों के ऐसा नहीं है लगे हुए, सेलर एक्टिव हो जाएंगे तो मार्केट को लेकर आएंगे यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, पहली कंडीशन ये होगी, अगर मार्केट यहीं कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पर थोड़ा डे चार्ट पर कंसोलिडेट कर जाए, कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की तरफ को निकले तो वापस हम 22,316 का दोबारा से लेवल चेक कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये कंडीशन आपने समझ गई होगी, ये चीज देखने वाली भी था। अब मार्केट में देखोगे तो आप एक रैली, दो रैली, तीन रैली और चार रैली मार्केट में देखोगे तो ये डबल टॉप है। अगर इसे भी देखोगे आप, इस एरिया को भी देखोगे तो आप ये ट्रिपल टॉप दिखाई देगा आपको। ठीक है, अब मार्केट में ट्रिपल टॉप भी दिखाई देगा क्योंकि पहला टॉप, दूसरा टॉप और ये तीसरा टॉप। ठीक है, अगर मार्केट इसी के नीचे निकल गया, ये निकलने के बाद वापस नीचे की तरफ को निकलती है तो भाई साहब बहुत बड़ा लेवल नीचे की तरफ को मार्केट में होगा। क्यों, डिपेंड करता है चुनाव पर मार्केट पर अब, क्योंकि चुनाव के अकॉर्डिंग मार्केट चलने वाली है आगे, थोड़ा ध्यान करके रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब इसे हम थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, निफ्टी को हम अच्छे से देखने के लिए जरूरत है कि उस पर चले गया हूँ मैं जरा एक मिनट के लिए, और मैं यहाँ से दिखाऊंगा आपको ये चीज देखने वाली बात है। देखो, अब मार्केट यहाँ से निकलेगा पहले, ठीक है, यहाँ से निकलेगा डेली चार्ट पे, उसके बाद निकलेगा तो कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। ठीक है, आना कहाँ तक है, इस तक आना है। ठीक है, इसके नीचे जब भी निकलेगा तो मार्केट में बड़ा फॉल दिखाई देगा, इसके नीचे निकलना बहुत जरूरी है मार्केट। ठीक है, इसके नीचे निकलना बहुत जरूरी है, जो पहला टारगेट हमारा ये होगा, दूसरा टारगेट हमारा ये होगा। ठीक है दोस्तों, नीचे की तरफ को लेवल बड़े होते चले जाएंगे अब मार्केट में। ठीक है, अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, बैंक निफ्टी के एनालिसिस देखते हैं, बैंक निफ्टी में क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है। बैंक निफ्टी में आपको मैं बता के चल रहा था कि बैंक निफ्टी लंबे टाइम फ्रेम पे के वीकली चार्ट पर एक बैंड को, जो मेरे ये चैनल है, चैनल को ब्रेकआउट देता है, ऊपर की तरफ निकल जाता है, चैनल के आसपास ही चल रहा था, यहाँ सपोर्ट बनता है चैनल पे, ये रेजिस्टेंस बनता है चैनल पे। ठीक है, अब यहाँ रेजिस्टेंस बना, अब दूसरा रेजिस्टेंस ये क्लियर हुआ, मेरी वीकली चार्ट के एनालिसिस देख सकते हो दोस्तों आप। ठीक है, अब मैं कह रहा था जब ये जो कोई भी चैनल हो मुंह पतला कर रहा था, उसके बाद यहाँ से जाने का नीचे की तरफ को निकलता है या ऊपर की तरफ को ब्रेकआउट अच्छा देता है। ठीक है, चांसेस नीचे की तरफ ज़्यादा थे, कोई भी ऐसी तरह का ट्रायंगल पैटर्न बनता है तो ऊपर की तरफ को निकलता है, नीचे की तरफ को निकलता है तो बड़े फास्ट मूवमेंट में देता है। अब देखो मार्केट में क्या हुआ ये देखनी बात है बैंक निफ्टी में। ठीक है, एक तो चैनल मुंह पतला कर रहा है ऊपर जाके, ठीक है, और मार्केट उसी चैनल के अकॉर्डिंग मार्केट चल रही है। मार्केट चलने के बाद देखो ये शूटिंग स्टार टाइप में थी, मैंने आपको बताया था कि इसके नीचे मार्केट निकले कि फास्ट मूवमेंट में जाएगा, फास्ट मूवमेंट में आने के बाद पहला टारगेट मैंने आपको ये बता दिया था, पहला टारगेट था 27,800 का, दूसरा लेवल अपना ये था, तीसरा लेवल अपने चैनल का था जो छोटा चैनल आ रहा था अपने अंदर। ठीक है, अब मार्केट ने ये पूरा क्रिएट कर लिया, मगर अभी थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन हो रहा है, इसके बाद मार्केट यहाँ आए, यहाँ थोड़ा सा रुके उसके बाद हल्का सा बाउंस बैक, उसके बाद नीचे गिरे ना तो 48,800 का
लेवल नीचे की तरफ को देख सकते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पर बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। अगर मार्केट इसी के नीचे अब निकलता है, ठीक है, अभी इसके नीचे निकलता है तो मार्केट पहला टारगेट ये अचीव करेगा मार्केट, ठीक है दोस्तों। जो नीचे की तरफ को लेवल होगा, नीचे की तरफ को होगा ये 46,000 का, 46,050 का लेवल होगा नीचे की तरफ को, ठीक है। अब मार्केट को समझने के लिए मैं तो आपको डेली चार्ट पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेड साइकोलॉजी में बताऊंगा अच्छे से कि डेली चार्ट एनालिसिस के कल ट्रेड कैसे लेंगे, उसकी मैं आपकी कल मॉर्निंग में संडे को मॉर्निंग में वीडियो बनाकर डाल दूंगा, आप उसे जाकर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम इसे थोड़ा सा लेवल हटा के एक बार चेक कर लेते हैं कि लेवल के बिना कैसा काम करेगा हमारा ये, ठीक है। अब देखो मार्केट इसी के आसपास, मार्केट में आपको बता के चल रहा था, मार्केट जब भी इसके आसपास जा रहा है तो मार्केट में सेलिंग आ रही है, ठीक है, मार्केट में सेलिंग आ रही है, इसके आसपास ही सेलिंग आई, इसके आसपास ही सेलिंग आई। अब यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद वीकली चार्ट का ब्रेकआउट बता रहा हूँ दोस्तों, वीकली चार्ट का ब्रेकआउट हुआ, क्लोज भी ऊपर हुआ, उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाया, जब इसके अंदर आया वापस बड़ी फास्ट मूवमेंट में आया, ठीक है। अब इस ट्रेड लाइन को देखिएगा, ठीक है, अब देखिएगा ये वाली जो ट्रेड लाइन दिखाई दे रही है दोस्तों, ये वाली, ठीक है, ये वाली ट्रेड लाइन देखो, अगर मार्केट अब, ठीक है, मार्केट अब इसी के आसपास यहाँ से ब्रेक करता है तो पहला टारगेट क्या होगा दोस्तों, पहला टारगेट ये होगा, क्लियर है, दूसरा टारगेट ये होगा और तीसरा टारगेट ये होगा, ठीक है, नीचे की तरफ के लिए मार्केट में, मगर कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की तरफ निकले तो बड़ा अच्छा टारगेट होगा दोस्तों, उसी हिसाब से करेंगे, ठीक है। वीडियो कैसे लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, जय।